अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, केटी की दुनिया में खुश आमदीद। क्यू से पहले आने वाला एंकर आपके साथ मौजूद है। मुझे क्यू मिला भी नहीं था, एक्शन हुआ भी नहीं था, किसी ने कहा ही नहीं कि बोलना शुरू कर दो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं 2-3 मिनट से वेट कर रहा हूँ। हम ऑन एयर क्यों नहीं आ रहे, लेट क्यों हो रहा है भाई? बंदा तैयार बैठा हुआ है इतने अरसे से, मतलब कि थोड़ी देर बाद माथा चमकना शुरू हो जाता है मेरा। तो मैंने कहा जब तक बंदा अच्छा लग रहा है ऑन एयर आ जाना चाहिए। मेरा नाम है कैवान हामिद, आप लोग देख रहे हैं केटू की दुनिया। प्रोग्राम में क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। को एंकर को थोड़ा सा तरसा तरसा के मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या ये क्या हुआ? मैं अपना बोलने लगी थी कि मेरा नाम है। एक हफ्ते बाद मुझे मौका मिलता है सिल्वी आपको तंग करने का। मुझे तंग करने नहीं, रोज ही मिलता है। नहीं, बाकी जो 5 दिन होते हैं उसमें मैं आपको तंग नहीं कर सकता। नहीं, वो आप नहीं, ठीक है ना? क्यों, आप एक ऐसी पोजीशन में बैठी हुई होती है जहां मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी तो कुछ सुनता नहीं है, ठीक है ना? मेरे से तो बेस्ट होता नहीं है, ठीक है ना? एक ये प्रोग्राम है जिसके अंदर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत देती है कि मैं मजाक करूं, इसमें हो सकता है, वरना मैं रिसीविंग एंड पे होता हूँ। खवातीन और हज़रात, प्रोड्यूसर साहब कौन है इस प्रोग्राम? खवातीन और हज़रात, आप बड़ा स्पेशल प्रोड्यूसर है हमारे प्रोग्राम का, ज़माने कदीम से प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं केटू टेलीविजन के ऊपर। बल्कि हम दोनों ने केटू टेलीविजन पे अपना करियर का आगाज, मेरे करियर का आगाज तब था, वो काफी अरसे से उससे पहले भी कर रहे हैं। वो आपसे पहले भी कर रहे थे? वो बड़ा पुराना बंदा है, लगता नहीं अच्छा, लगते वकास अहमद आज हमारे साथ मौजूद है पैनल के ऊपर, प्रोड्यूस कर रहे हैं केटू की दुनिया, एंड बड़ा अप्रोप्रिएट बंदा है जी। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि हम उनको टफ टाइम देते हैं कि नहीं देते, ठीक है ना? जिम्बाब्वे की टीम की तरह टफ टाइम देंगे हम उनको। और उसके अलावा जी मोहम्मद अली है या फिर एम ए ली है, उसके अलावा गुलजिब है। यार आप लोग ऐसे नाम क्यों नहीं लिखते अपने आईडीज के ऊपर, समझ नहीं आता। बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। वजाहत खान है, मोहसिन मुख्तार है, अरमान खान है, राजा मोहम्मद आजम पहले अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं जी यहाँ पे, एंड रिदा गुल भी आ चुकी है। रिदा कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैंने सुना है कि आप इस वक्त शहर के अंदर नहीं हैं, छुट्टियाँ मना रही हैं। काश कि हमें भी ऐसा मौका। रिदा हमारी अपनी जिंदगी। हाँ, जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रिदा प्रोग्राम जिंदगी कर रही होती है ना, तो ब्रेक पे जाती है वापस आती है, वेलकम बैक टू जिंदगी, जैसे बंदा मर गया था। हाँ, वेलकम बैक टू जिंदगी, वापस जिंदगी में वापस आने के लिए। बंदा हार्ट अटैक हुआ, बंदे को CPR दिया, वापस वेलकम बैक टू जिंदगी। उसके अलावा जी प्राचा हमजा भी आ गए हैं, मोहम्मद सदाकत भी आ गए हैं, सहर अंदलीप कह रही है अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रॉम एबटाबाद। मेरी एबटाबाद और नहीं बनती, क्यों? तो मेरे सारे चैनल को मल के बैठे हो। अच्छा बस कर दे, ये दुश्मनी निकाल दे। दुश्मनी नहीं है। आ, ये वैसे ही वो होती है। आज बताता हूँ, आज केटू की पहुंच का बताना है मैंने इनको, ठीक है? पता कैसे? कैसे? हम हमेशा कहते हैं ना कि हम किसी रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पाबंद नहीं है। एक एक रीजन, आज रीजन रीजन नहीं, आज केटू बताने वाला है कि कितना इंटरनेशनल है केटू। अच्छा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम है क्योंकि 9:30 बजे तक उसूल है हमारे पास वक्त, लेकिन हम उसूलों को तोड़ते हुए आगे जाएंगे। 5 मिनट इतना तो बनता है, इतना करेंगे हम। आए भी तो 2 मिनट लेट है। हम तो नहीं 2 मिनट लेट आए, मैं तो 25 मिनट पहले का बैठा हुआ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये प्रोड्यूसर साहब 2 मिनट लेट आए हैं। प्रोड्यूसर साहब नहीं लेट आए, तो कौन लेट आए? बाबर। ओ, ट्रांसमिशन लेट आया। बिल्कुल, नाम ही उसका ऐसे, बाबर बदमाशी कुछ भी कर सकते। वाकई मुगलों का सबसे तगड़ा जो था वो बाबर ही था। आ, बाबर के तो ये जो हमारा बाबर ट्रांसमिशन में बैठा है, उसने कहा मैं तो रेडी हूँ लेकिन मूड नहीं है। मूड नहीं इस टाइम। अच्छा जी, मरियम चौधरी भी अस्सलाम कह रही हैं, हेलो कह रही हैं, उसके अलावा सहर आंखें दिखा रही हैं आपको, ठीक है? बदतमीज क्यों? एनी हाउ, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे, नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा व्हाट्सएप भी आज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लें आज, कोई इजाजत है। आज मौका मिलेगा आपको। लास्ट टाइम हमने व्हाट्सएप ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, कॉल नहीं करनी व्हाट्सएप पे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मैसेज पढ़ लूँ, उसके लिए भी मिस कॉल करने का कोई फायदा नहीं। मैं देख नहीं सकता फोन, क्योंकि हमने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप के साथ, तो जब आप मिस कॉलें मार भी रहे होंगे मुझे नहीं नजर आ रही होंगी, मैंने फोन उठा के उधर फेंका हुआ, ठीक है ना? वो कनेक्ट हुआ है लैपटॉप से, उसमें सिर्फ मुझे मैसेजेस नजर आएंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। उस पर तस्वीरें भी आप शेयर कर सकते हैं, अपनों की, अपने चाहने वालों की, जिनको आप चाहते हैं उनकी, जो आपको जिनको नहीं चाहते हैं उनकी भी, और जो आपको चाहते हैं वो जरूरी है। अंडरस्टूड। ओह अच्छा, ये देखेंगे वो जरूरी है जो आपको चाहते हैं आज के जी। आपको एक मिनट, खड़ा हो रहा हूँ मैं, ठीक है ना?
ये समझाने का तरीका होता है। ड्रेस करवाते दिखाते हुए चलें, ठीक है ना। आज का जो ड्रेस स्पॉन्सर्ड है ये 2016 का मेरा कोट है जो मुझे तब आता था। अच्छा, और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा केवान से पूछो ये कब खरीदे। मैंने 4 साल से कोट नहीं पहना है, ठीक है ना, और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे ये आ गया। ये बड़ी खुशी होती है वैसे अरसे बाद जब बंदा पहनता है। फैमिली है, अपने हैं, तो मैं अंदर की बात भी बता दूं, अभी बटन नहीं बंद होते। ये बड़े मजे की बात है, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन बड़ी बात है जी, आपका भाई 4-5 साल पीछे चला गया, ठीक है ना, और आपके भाई को पुराने कपड़े फिट आ रहे हैं शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन आज वैसा क्या वाना अच्छा लग रहा है, आज आप भी अच्छी लग रही है, जो आपने पहना हुआ है इसको कहते क्या है? Does it have a name? कोई मतलब के, क्योंकि काफ्तान टाइप ही है ना। हाँ, लेकिन इसके अंदर वो बड़े इजिप्शियन किस्म के पैटर्न हैं। हाँ, वो पैटर्न। रंग सूट करते हैं आपको? ये कलर्स अच्छे हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। रंग सूट करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं है हर चीज मतलब कि बुजुर्गाना मोड में ले ले। मुझे पता नहीं बुजुर्गों वाले कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं, हल्का सा ग्रे। खबरदीन हो, आप मुझे बताएं बुजुर्गों वाले कलर कौन से होते हैं? हाँ ये बता दें, ये आ जाता है बुजुर्गों वाले कलर्स। मिर्ज़ा खेल है, मिर्ज़ा खेल है, अच्छा, जाहिद रशीद है, फेसी खान है। यार ये नामों का सीन बड़ा ऑन है। आप लोगों को अभी हम फेसबुक पे भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे, मैं वहाँ भी लैपटॉप से लाइव जाऊंगा, साथ साथ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ेंगे, कॉल्स भी आप लोगों की लेंगे। और हमारे पास आज है क्या? मुआद बहुत मजे का है और ढेर सारा मुआद। लेकिन एक मिनट, प्रोग्राम शुरू हो गया है, काफी हमने एक बूस्ट भी मार दिया। मैं शुरू पे ही पूछता चलूं, विकास कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं वैसे आप महसूस कैसा कर रहे हैं। अच्छा, केवान को ज्यादा पता होता है, वो इधर से सुनते होते हैं एमसीआर में क्या चल रहा है। तीसरी आंख से देख रहा हूं कि एक्चुअली कटिंग कैसे चल रही है। मैंने जान के मुश्किल किया है इस वक्त विकास के, फिर जब बीच में बोलती है विकास कहते मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। अच्छा, यही तो मजा आ रहा है मुझे सबसे ज्यादा। अच्छा जी, रूह भी आ चुके हैं। रूह रू 5657 ये आईडीज का मुझे अभी तक भी। इनोसेंट भी आ चुके हैं, फायजा मुर्तजा भी आ चुकी हैं, अरशद भी आ चुके हैं। मैं साथ साथ नाम मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम वालों के। K2 TV ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, K2 TV के नाम से फेसबुक पे भी मौजूद हैं, अभी लाइव जाते हैं वहाँ। ये पटंग पटंग जो आ रही है ना, ये व्हाट्सएप की आ रही है, और कॉल भी है हमारे साथ। देखते हैं कौन है पहले कॉलर हमारे इस प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर, आसिफ। सर कराची से बात करें, आसिफ जी। सर आसिफ भाई कैसे? अल्लाह का करम सर, ठीक ठाक। आप सुने आसिफ भाई, क्या करते हैं आप? अल्लाह का करम सर, ठीक। आसिफ भाई, सर आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सर हमारी आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, ये बहुत अच्छी जॉब है। वैसे प्रोग्राम देखते हुए कौन सा, और K2 वैसे देखते हैं या फिर आज पहली मर्तबा देखा है? नहीं सर, पहले भी देखता था सर। कौन से प्रोग्राम देखते रहे सर? मैंने डेडी भी देखा है, आपका प्रोग्राम भी देखे हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे, काशिम मलिक के। अच्छा, मुझे लगता है K2 आप 6:30 बजे देखना शुरू। मलिक साहब के प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। आपका ताल्लुक वैसे कहाँ से है आसिफ भाई? सर एतबाद पूछ नहीं चाहिए था मुझे, तो मतलब पता होना चाहिए था आपका ताल्लुक एतबाद से। जब आपने डेडी बोला तो ताल्लुक तो हजारा से ही होगा ना। जी सर केटी के हजारा एतबाद से। सर आसिफ भाई मुझे K2 के एक और प्रोग्राम का नाम बताएं, ऐसे नहीं चलेगा। जी सर एक और प्रोग्राम का नाम बताएं जो K2 पे आता है। K2 का? हाँ सर, मैं बैठक को देखता हूँ ज्यादा, डेडी को देखता हूँ। अच्छा, आपका प्रोग्राम, आज का आपका प्रोग्राम मैंने अभी ऑन किया सर, मुझे हमारे अच्छा प्रोग्राम का क्या नाम है? अरे भाई घबराना नहीं, बंद हो गया। चले कोई बात नहीं, मुश्किल सवाल आपसे कर दिया आपकी खामोशी ने हमारी। K2 की दुनिया हमारे प्रोग्राम का नाम है आसिफ भाई, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम कॉल करके ऊंचा से आपने बताना। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान हेलो कह रहे हैं, अली भी कह रहे हैं हेलो, शकील हैं, परवेज हैं, एंड अब्दुल लतीफ हैं, अरोमा बतूल हैं, क्या नाम है। अच्छा जी, ये लोगों का मैं मेंशन करते रहूंगा साथ साथ, आप लोग जो मैसेज करेंगे मैं पढ़ूंगा। अभी आप लोगों से भी सवाल यही है, मुझे हमारे प्रोग्राम के अलावा, जिसका नाम K2 की दुनिया है, बेइज्जती दोबारा ना हो जाए, K2 की दुनिया के अलावा आप K2 के और कितने प्रोग्राम्स के बारे में जाते हैं? अगर प्रोग्राम्स नहीं तो मुझे K2 के कुछ एंकर्स के नाम बताएं। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतने आप K2 के असल गोल्डन स्टार फैमिली मेंबर होंगे, जिनका हम सिर्फ नाम नहीं बल्कि आपकी तस्वीर भी हम लगाएंगे इस दरख्त के ऊपर, ठीक है ना। हमारा ये ऐसे होता है हमारे प्रोग्राम, घबराना नहीं है, ये फोन टूटता नहीं है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, बल्कि दूसरे कैमरे से दिखा दूं, ये जो हमारा दरख्त है फैमिली की,
इस पे आपकी तस्वीर लगेगी। एंड खवातीन हज़रात आप लोग भी जरा साथ आए हमारे, ठीक है, एक मिनट जरा। क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, मुझे समझ आ गई कि क्या हो रहा था। हाँ, ये मैं नोट कर रही थी, मैंने कमरे में बताऊं। इंस्टाग्राम वालों को भी दिखाता मैं चलूं, हमारे कुछ नए फैमिली मेंबर्स हमारी स्क्रीन का हिस्सा बन चुके हैं। ये हैं मामूना, मैमूना है जो करती हैं इशारों की जुबान, और ये हैं रिदा इमरान जो अब करती हैं जिंदगी डॉक्टर शाहिद के साथ। ये हैं हसन अहमद जो करते हैं इशारों की जुबान, ही इज डेफ एंड ही कांट स्पीक, लेकिन बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि आज ही इनका प्रोग्राम चला था 6 बजे। एंड ये है रिटर्न ऑफ दिया रहमान जो कर रही है सोशल जंक्शन। ये कुछ नए फेसेस हैं जो K2 की दुनिया और K2 टेलीविजन चैनल का हिस्सा बने हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने ये तोड़ दिया और चैनल का नुकसान कर दिया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, चेक करेंगे फिर हम। आपका भाई बड़ा टेक्निकल है। अब हम वापस लगा देते हैं। कैसे उखेड़ रहे थे आप? चिकअप ही गया था बिल्कुल। चिकअप कैसी मरियम आती है। अच्छा, नादिर अली हैं, एजाज मलिक हैं और रहमान हैं। राजा मोहम्मद कह रहे हैं आपके सोशल जंक्शन के लिए तालियां। लेकिन उसके अलावा प्रोग्राम का वैसे तो आगाज नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमने आपको दिखानी है जी बड़ी खास है। वो तो बहुत ही खास है, कुछ नहीं पता मैं बता, मुझे एग्जाम के लिए आज तैयार नहीं करवाया था इन्होंने। आज इन्होंने हर चीज ही खास होती है K2 की दुनिया। वैसे आज आपने खुल के छुट्टी मनाई है, छुट्टी नुमा कोई दिन गुजारा है आज? मैं एक चीज बता दूं, मेरे ऑफिस में होना मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, मेरे ऑफिस में ना होना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। कि काम तो मैंने करना होता है, लेकिन वो मैं बराए रास्त काफी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ऑफिस आ जाए हैं जैसे कहीं से भाग के आए, जल्दी से दरवाजा खोला मुझे कितना। वैसे भी जी हुकूमत की तरफ एक नोटिफिकेशन आई है कि 50% पीपल नीड टू वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, सो वो 50% वाला जो सीन है ना, वो नोटिफिकेशन आने से पहले अप्लाई होता हुआ देखा है थोड़ा सा मैंने। मैं ऑफिस आया हूं तो आधी टीम पता नहीं किधर थी मेरी। तो देखिए जी, हम बड़े जिम्मेदार हैं इस मामले में। बहुत अच्छा, उसके अलावा जी शादी हॉल्स के अंदर शादियां करना बंद कर दें। इनको ये बड़ा कल से प्रॉब्लम है, आपको क्या मसला है? मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी आने वाली है, ज्यादती है ये। उस बंदे ने 2 दिन पहले हॉल बुक कराया और अगले दिन नोटिफिकेशन आ गई हॉल में नहीं होगी। और कब से ये लोग इंतजार कर रहे थे उनकी शादी का कि वो शादी। मैंने उसको एक सलूशन बड़ी आला दी है, छत उतार दे, खत्म होगी मसला ही कोई नहीं। वो सुन रहे होंगे, उस हॉल की छत उतार दे, ओपन एयर होगी जी, ओपन है। फिर दूसरी नोटिफिकेशन का हिस्सा ये था कि 1000 बंदे से ज्यादा नहीं ओपन एयर में आप कर सकते। वो कह रहा है मैंने तो 1000 किए नहीं, अब मैं वहां तक कैसे जाऊं? अच्छा, एनी ऑन अ साइड नोट, लेकिन जो पहली चीज आपको हमने दिखानी है, हम आपको सैर कराएंगे मैं भी कभी-कभी बोल जाती हूं, और वो हम आपको सैर कराएंगे AVT चैनल्स की स्टूडियो सिटी की। ये स्टूडियो सिटी इसलिए क्योंकि चल चल के बंदा इसमें मतलब बिल्कुल ही थक जा रहा है। मैंने वेट कैसे लूज किया? मेरा ऑफिस पहले पिंडी में होता था। मुझे कॉल आती थी, मैं कहता था आगे से मैं मेट्रो कराता हूँ, दस 15 मिनट लगते हैं। तो इसका अंदाजा देने के लिए आपको ना सिर्फ हम सैर कराते हैं AVT चैनल्स की, ठीक है ना, ना सिर्फ हम सैर कराते हैं आपको इस पूरे सिटी की, स्टूडियो सिटी की, उसके साथ साथ आपको मिलवाते हैं कुछ K2 के सितारों से, K2 के खूबसूरत चेहरों से, ठीक है ना, और साथ साथ बताते हैं कि वो कौन से प्रोग्राम करते हैं, किस टाइप के हमारे साथ लोग हैं, K2 की फैमिली का हिस्सा, स्क्रीन के सामने की जो फैमिली है उसका हिस्सा कौन कौन लोग हैं। चलिए चलते हैं, कैसे सैर करा रहे हैं ये इस प्रोमो में दिखाते हैं। आइए करवाते हैं आपको AVT चैनल्स के नज़ारे, साथ में दिखाते हैं K2 के सितारे। अंकलहालपुर की दुनिया बच्चों का प्रोग्राम है प्यारा, और ये है मानहूर अल्ताफ, K2 का उभरता हुआ सितारा। सोशल मीडिया की गॉसिप्स हो या कोई व्लॉग, जिदा करती हैं जबरदस्त प्रोग्राम KP's व्लॉग। अमार गुल कभी है शेफ तो कभी मॉडर्न कुड़िया के रॉनी, K2 में ऐसी काबिलियत किसी और की क्या होगी। बच्चों की बातें हो या फिर शहरों के रंग, फुलवारी में मुलायजा कीजिए रजिया के संग।
उठाते हैं सवाल और है हजारा की आवाज। अहवाल सीरीज का खास हिस्सा है महसी माँ। साजों की कहानी हो या सुरों की रवानी, जुनेद खान सुनाते हैं अपनी जुबानी। आला गायकी और मजा में है इत्मीनान, सोशल जंक्शन में नजर आती हैं जिया दुमान। लहजे में मिठास, साथ में अदाएं हैं निराली, परवीन गिलानी के लफ्जों की अदायगी है मिसाल। रजा गजनवी है केटू का खास हिस्सा, सुनाते हैं अहवाल केपी में पेशावर का किस्सा। इलाकाई प्रोग्राम्स की पहचान, घर जमाई की शान, हर किरदार में मुनफरिद हमारी प्यारी नौशीन खान। दमदार है शख्सियत और दिमाग से है जहीन, प्रोग्रामों में मुस्कुराहटें बखेरते हैं उस्मान अमीन। ये है खूबसूरत सैम मलिक की तस्वीर, जो है मॉडर्न कुड़िया और लाशारी साहब में बेनजीर। हर त्योहार में लगा देते हैं पकवानों का ढेर, के टू पर पिकनिक मनाते हैं शेफ अहमद शेर। भोली सूरत और गायकी में सब पर भारी, के टू का मुनफरद हिस्सा है नुमान खान लाशारी। समझना मुश्किल है कि ये चांदनिया है या रजा खान, जिस किरदार में भी हो लगा देते हैं चार चांद। चाचा चंदेब हो चाहे घर जमाई का बाला, शबीर खान सवाती का है हर किरदार में। क्या क्या बताएं कितने फनकार हैं मुदस्सर अली, मेजबानी करते करते ले चलते हैं सुरों की गली। सितारों से हो बातें या ग्लैमर का अक्स, केटू की स्क्रीन पर ये लाती है मीना शम। गुफ्तगू होती है मुनफरिद और नजर आते हैं पेशावर के ढाल, प्रोग्राम पब्लिक फोरम केपी जकीर रहमान के साथ। हनीफ भाई करते हैं सच्ची खरी बात, देखिए स्ट्रेट टॉक हर पीर और बुद्ध की रात। सुनाती हैं किस्से और करवाती हैं पुराने गानों का नजारा, माजमीन ऐसन है आधा बस की माँ पा। नटखट अदाएं और पुरजोश अंदाज, मिशी खान केटू पर करती है एक मुनफरिद सुबह का आगाज। काशिफ मलिक की शख्सियत है दिलचस्प और पुरवकार, डेडी प्रोग्राम में किस्से सुनाते हैं मजेदार। आरिफ महमूद काजी है केटू की पहचान, अदाकारी से डाल देते हैं हर किरदार में ये जान। गायकी में उमदगी और पेशावर की है शान, शोबेज की गप्पे लेकर आते हैं मुइज़ खान। कायनात बासी चलाती हैं सबके दिलों पर छुरियां, करती हैं प्रोग्राम मॉडर्न कुड़ियां। खबरों से वाबस्तगी की वजह है इनकी मीठी जुबान, साथ में केटू की दुनिया की मेजबान ये है सिल्वी खान। तो नाजरीन यही है केटू की दुनिया और यही है केटू की शान। मैं हूं इस शो का मेजबान और मेरा नाम है कैवान। के लिए क्लैप होनी चाहिए, मेरे लिए क्यों तालियां, ये पूरे केटू की फैमिली के लिए तालियां। हां पूरी टीम के लिए, टीम के लिए तालियां, पूरी प्रोडक्शन के लिए तालियां। और माशाल्लाह हमने आपको पूरी सैर कराई, सैर कराने के साथ साथ हमने थोड़ी शेरो शायरी भी सुनाई, बिल्कुल राइम करते करते हर फनकार और हर एंकर से आपको तारुफ करवाया, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बताया, उनकी तस्वीरें दिखाई और उन्होंने चलते चलते आपको पहुंचाया केटू टीवी के केटू की दुनिया के सेट के ऊपर, जिस पे आपका मेजबान कैवान आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही हैरानगी की बात यह है कि मैं आवाज ना पहचान सकी। आप हमें फोन की बात है, शर्म की बात है, शर्म के मारे डूब मरने की बात, क्योंकि मैंने क्लैप भी इस वजह से किया था कि कैवान की उर्दू को मैं दाद दूंगी। मेरी बड़े मजे की उर्दू उन्होंने बोली है, प्रोनंसिएशन तारीफ के अंदर भी एक बेइज्जती नहीं, अपनी जुबान आपने इतने अच्छे अंदाज़े प्रोनंसिएशन देखी, कितने मजे की अच्छी प्रोनंसिएशन। मैं बोल लेता हूँ सिल्वी उर्दू थारे थारे, ठीक है ना, आते है मुझे उर्दू थारे से बोलना। और ये जो आइडिया है ये किसका था? नहीं आइडिया शाइडिया मैं कुछ पर्सनल इधर क्रेडिट्स एंड इस तरह मैं नहीं करता, मिलके करती है केटू टीवी के ऊपर एवरीथिंग कम्स टू एग्जीक्यूशन एंड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन विद टीम वर्क। कोई एक बंदा अकेला कोई ऐसी चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इसके अंदर किन लोगों का डायरेक्ट हाथ था उनका मेंशन करता हुआ जरूर। अमाद केम अप विद द स्क्रिप्ट, वेरी नाइसली रिटन, ठीक है। काशिफ ने एडिटिंग की इसकी, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत इनपुट मैं यासिर का भी दूंगा, यासिर जमान का। हमारी बाकी एडिटिंग टीम में यासिर जेब हैं, उसके अलावा जोएल हैं, उसके अलावा तकदीर हैं, एंड काशिफ वाज डायरेक्टली डीलिंग विद दिस प्रोजेक्ट, एंड उसके अलावा अमाद इसकी एग्जीक्यूशन देख रहे थे, यासिर ने थोड़ी बहुत असिस्टेंस की इसके अंदर, एंड मतलब कि ओवरऑल ये चार पांच लोग थे जिन्होंने इसके अंदर काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया।
ऑब्वियसली सेट डिपार्टमेंट का भी बड़ा इसमें हाथ जाता है. आई मीन एमी तो नहीं, मेरे फ्रेम्स चेंज हो ही जा रहे थे. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि साथ साथ फ्रेम्स पकड़ाए भी जा रहे थे, तो इसकी एग्जीक्यूट किस दिन आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाएंगे. हाँ, वाकई वो बड़ा आप बिहाइंड द सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब आगे पीछे हो रहे थे, काफी लंबा ये शूट था इसके अंदर. और आप लोगों को लगेगा कि बड़ी आसानी से ये हो जाता है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, इस पर काफी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी मेहनत का काम होता है. वाकई बिहाइंड द सीन्स वाला एक दफा करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये जी अब K2 की दुनिया का और K2 टेलीविजन चैनल का एक ऑफिशियल प्रोमो, इसके अंदर हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर चलने वाले सारे प्रोग्राम्स और ये भी के बारे और जो न्यू एडिशन है हमारे दरक के ऊपर चढ़ चुकी है. हाँ, वो आ चुके हैं. बिल्कुल, कितनी शैतान है दरक के ऊपर चढ़ गई. अच्छा जी, मंसर सियाल, मंसर सियाल, सना रियाज, मोहम्मद खुबैब, सलाम बदर ब्रदर, बंदर नहीं, सलाम ब्रदर, संगे ठीक ठाक तगड़े, क्या होता है जोड़ तगड़े, खैम. अच्छा जी, सुपारी आसिफ भी आ गए, हम तो गए. क्यों सुपारी आसिफ? अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं. वैसे तो हमने पूरा रिव्यू दे दिया K2 की दुनिया में क्या होता है, K2 में क्या होता है, K2 के चैनल पे क्या होता है. हाँ, बिल्कुल. अब हम आपको दिखाते हैं कि इश्तिहार कैसे होते हैं. ब्रेक पे जाना. अच्छा, मैं भी पता नहीं, हमारे प्रोग्राम में इश्तिहार भी हम दिखाएंगे. दुनिया में इश्तिहार कैसे होते हैं, कैसे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है. कमर्शियल ब्रेक से वापस आने के बाद आपको हम दिखाएंगे मजे मजे की, पिछले मजे मजे की नहीं संजीदा, पिछले हफ्ते करंट अफेयर्स. तो बस खैर, उसमें मजे मजे का नहीं हुआ ज्यादा कुछ, लेकिन बहुत जरूरी जरूरी हुआ काफी कुछ. ये पैकेज हम आपको दिखाएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद. रजा बास ने हमारे लिए पैकेज प्रिपेयर किया है, लेकिन पहले आप ब्रेक लें. ब्रेक के दौरान मैं काम करता हूँ, इंस्टाग्राम वाले तो हमारे साथ हैं. हाँ, ये तो देख सकते हैं, हम फेसबुक को लाइव करते हैं और व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस भी पढ़ता हूँ. ठीक हो गया. लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद बराह रास्त भी पढ़ूंगा और आपको वो पैकेज भी दिखाएंगे. चुप कराओ यार इसे. हम ब्रेक पे जाते हैं ये बोलती है, हम ब्रेक से वापस आते हैं हम बोल रही होती है. मेरा मतलब है, व्हाट डू वी डू? अच्छा, मैं बात नहीं कर सकती इंस्टाग्राम वालों से, मैं उनसे लगी हुई थी. आप अच्छा, अपना प्रोग्राम के दौरान कभी सिल्वी इतनी ज्यादा नहीं बात कर रही होती, लेकिन जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो फिर बातें शुरू कर दी. अदरवाइज जो प्रोग्राम के जो ब्रेक्स के दरमियान हो रहा होता है ना, वो वाली सिल्वी ज्यादा एंटरटेनिंग, मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, वैसी ऐसी चीजें करती है जो पता नहीं क्यों नहीं टीवी के सामने नहीं करती. मैं नाच भी लेती हूँ जब कोई ऐसी कोई बात होती है, मैं मजाक करते हैं. मेरे से ज्यादा एंटरटेनिंग है, पता नहीं है, अपने आप को रोका है, मेरा लिहाज कर रही है. मैं मेरा लिहाज कर रही है, कोई नहीं लिहाज कर रही है. हम आ चुके हैं फेसबुक पे भी लाइव. क्या बात है हमारी कि हम फेसबुक पे भी लाइव आ गए हैं. इंस्टाग्राम पे सिल्वी लाइव है, बर्दाश्त करें. और उधर हम इंस्टाग्राम के K2 टीवी के पेज पे, सॉरी फेसबुक पे हम ये आ चुके हैं K2 टीवी के पेज के ऊपर, देख रहे हैं आप कैसे हैं, आप ठीक है, घबराना नहीं. इधर आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे. कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर आपको दिखाना है जी हमने करंट अफेयर्स के ऊपर क्या क्या किया है पूरे हफ्ते के अंदर. लेकिन सिंस आई विल फॉरगेट इट वेरी क्विकली, सो ऐसा करते हैं पहले चलते हैं पैकेज की तरफ. रजा अब्बास ने हमारे लिए जो पैकेज प्रिपेयर किया कि मंडे से लेके अब तक K2 टेलीविजन के ऊपर जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हैं, जो न्यूज रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जो जरा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर हमने कौन से एजेंडाज कवर किए हैं, कौन से टॉपिक्स, कौन से मौजूआत को हमने छेड़ा है. हम छेड़ते बड़े हैं, बड़े शैतान इस मामले, ठीक है. तो हम किस चीज़ को कवर करते आए हैं K2 टेलीविजन के ऊपर उस स्लॉट के अंदर, चलिए चल के देखते हैं इस पैकेज के. मजा से भरपूर और तफरीही प्रोग्राम्स के साथ साथ K2 टेलीविजन नशर करता है सियासी मौजूदात पर भी प्रोग्राम्स. मुल्की और बैन अल-अक़वामी दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब सूरत हाल से भी हम आपको रखते हैं आगाह. सियासी मौजूदात पर मबनी प्रोग्राम में K2 टेलीविजन पर नशर होने वाला प्रोग्राम स्टेट टॉक विद हनीफुर रहमान, जो कि हर पीर और बुध को नशर किया जाता है. पीर को नशर होने वाले स्टेट टॉक में मौजू बना लीगी रहनुमा अयाज सादिक का मुतनाज बयान. प्रोग्राम की मेजबानी रशीद साफी ने की और प्रोग्राम की मेहमान तजियाकार फोजिया शाहिद थी, जबकि टेलीफोनिक लाइन पर सीनियर सहाफी आसिफ अली भट्टी और सीनियर तजियाकार सिया शमसी ने अपने अपने तबसरे पेश किए. मोहलिक बीमारी पोलियो वायरस से बचाव और पोलियो के खतरों की अफादियत पर प्रोग्राम हुआ पीर को ही अहवाल पोटोहार, जिसकी मेजबानी कासिम सजाद ने की. माशरे में समाजी और मजहबी हम आहंगी के लिए नौजवानों का किरदार क्या है, ये मौजू बना मंगल को नशर होने वाले पिशावर सेंटर से पब्लिक फोरम KP में. प्रोग्राम की मेजबानी जकीर रहमान ने की और इस मौजू पर बात करने के लिए उनका साथ दिया मसीही, हिंदू और मुसलमान जवानों ने.
मंगल को ही पिशावर सेंटर से अहवाले केपी नशर हुआ, जिसकी मेजबानी रजा गजनवी ने की और प्रोग्राम का मौजू बना बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए क्या क्या कदम जरूरी है। पिशावर में मौजूद तालीमी इदारा CPL बच्चों को तालीम और तरबियत कैसे मुहैया कर रहा है, मौजू पर बात की असातजा और तोलबा ने। बुध के रोज गिलगित से अहवाले GB नशर हुआ, जिसमें मौजू रहा पोलियो। प्रोग्राम की मेजबानी ईसा हलीम ने की। पोलियो से बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफी बरादरी और आवाम ने भी अपनी अपनी आरा पेश की। बुध के रोज ही इस्लामाबाद सेंटर से स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान नशर हुआ, जिसकी मेजबानी हनीफ रहमान ने की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और सियासी जमातों की जानिब से जोर शोर से जारी इलेक्शन मुहिम मौजू बना प्रोग्राम का हिस्सा। इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे JUIFA के रहनुमा मौलाना अताउल्ला शहाब। इसके अलावा सीनियर तज़ियाकार आमिर हुसैन भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे। टेलीफोनिक लाइन पर GB से नून लीग के रहनुमा शम्स मीर और पीपल्स पार्टी की GB से रहनुमा सादिया दानिश ने भी अपना मौकफ पेश किया। जुमेरात को पब्लिक फोरम हजारा इस्लामाबाद सेंटर से नशर हुआ, जिसकी मेजबानी कैसर खान तिनौली ने की और स्टूडियो में उनका साथ दिया K2 टेलीविजन के मानसेरा से नुमाइंदे सदीक औरंगजेब ने। प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई सखी किनारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मजदूरों का एहतजाज। नवंबर दिसंबर आते ही हजारा भर के जंगलात में बढ़ती आग के वाकयात और इसके साथ साथ हरिपुर के ट्रामा सेंटर में सहूलियात के फुकदान पर गुफ्तगू हुई। टेलीफोनिक लाइन पर मौकफ दिया सदर यूनियन शाहीन लेबर असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद और ब्यूरो चीफ हरिपुर मेहर सिमा ने। खानपुर के सियाहती तारीखी और सर्दियां आते ही खानपुर में किस सौगात की मांग में होता है इजाफा, ये सब हमें बताया अहवाले हजारा में मेहर सिमा ने। कोयटा सेंटर से नशर हुआ पब्लिक फोरम लोचिस्तान, प्रोग्राम की मेजबानी जाबिर शाह ने की। प्रोग्राम में रोटी और गैस का फुकदान ये मौजू रहा। प्रोग्राम में स्टूडियो में इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद रहे तर्जमान सुई सौदर्न गैस काशिफ सदीकी और सदर तंदूर एसोसिएशन हाजी रजा मोहम्मद खलजी और इसके साथ साथ आवाम ने भी बजरिया टेलीफोन अपने मसाइल प्रोग्राम में अब पेश किए। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में जोर शोर से जारी है सियासी जमातों की मुहिम। वादे दावे आवाम से आवाम का वोट जीतने के लिए हर सियासी जमात कर रही है आवामी जलसा। इन मौजूदात के साथ साथ पीर से जुमा तक नशर होने वाले खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हमने आपको सैर कराई गिलगित बल्तिस्तान के हसीन मकामात की। पीर से जुमे तक नशर होने वाले सिलसिला खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में मौजू सर फहरिस्त रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB का सियासी जमातों को इलेक्शन की खिलाफ वर्जी पर दिए गए नोटिस पर सियासी जमातों का रद्द अमल। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की K2 टेलीविजन से खसूसी गुफ्तगू भी आप तक पहुंचाई। गिलगित बल्तिस्तान में अस्पतालों की नाकिस हालत सहूलियात का फुकदान अवाम की परेशानियां भी रखी हुकाम बाला तक। बल्तोरा ग्लेशियर नगर वैली पसुसर चंदा वैली और कोल्ड डेजर्ट स्कर्दू की भी सैर हमने आपको कराई खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में। इसके साथ साथ अवाले पाकिस्तान का सिलसिला जो कि पीर से बरोज जुमा आपके जो टेलीविजन पर मुलाहिजा करते हैं, अवाले पाकिस्तान में मुल्क भर की आवाम से जुड़े हर मसले को इवाने बाला तक पहुंचाया जाता है। इस हफ्ते अवाले पाकिस्तान में मुल्क में जारी कोरोना की दूसरी लहर, अयूबिया में अंग्रेज दौर की बनाई गई टनल, हजारा में मौजूद 19वीं सदी का मंदिर और इसके साथ साथ हसन अब्दाल में कायम 127 साल पुराने रेलवे स्टेशन को तजयन और आराइश के बाद उसका इफ्तिताह कर दिया गया, इन सब मौजूदात पर रही शामिल रिपोर्ट अहवाले पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वनडे मैच की सीरीज से भी हमने आपको रखा लम्हा ब लम्हा आगा। अहवाले पाकिस्तान के सेगमेंट फोकस टुडे में अमेरिका में जारी इलेक्शन, वजीर आजम का सनती शोबों को दिया गया पैकेज और मुल्क में जारी कोरोना की लहर पर हुई गुफ्तगू। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम दैट पैकेज जो आपको रजा अब्बास ने पूरी सैर कराई एंड इसके अंदर बताया है कि हमने K2 की दुनिया के अंदर K2 चैनल के अंदर करंट अफेयर प्रोग्राम्स, संजीदा नोयत के जो प्रोग्राम्स हैं और ख़बरों से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर क्या क्या कवर किया, किन किन एरियाज को कवर किया, किन किन मसले मसाइल को उजागर किया, किन किन पॉलिटिशियंस को डिस्कस किया, किन किन पॉलिटिशियंस से डिस्कशन हुई, किन मौजूदात के ऊपर रोशनी डाली और अवाम की अकासी करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा हमने अपने एंकर के जरिए
कैसे किया? अच्छा एंकर ना, न्यूज एंकर इस वक्त ना बने ना, आप ऐसा लग रहा है जैसे मैं खबरनामा, मैं वो एक ऑडिशन देना चाह रहा था कि मैं अगर मैं मेरे अंदर ये भी है, ठीक है ना, वैरायटी चेक करें थोड़ी, भाई बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ लेके चलते हैं। एंटरटेनमेंट में एक बहुत बड़ी लंबी कहानी लेके आए हैं उमर सियालवी। अच्छा, उनसे कम तो बोला नहीं जाता। उमर सियालवी कभी कम नहीं बोले। उमर सियालवी लेके आए हैं लंबी कहानियां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से। उन प्रोग्राम्स के अंदर हमने पिछले पीर से लेके, ये अभी जो गुजरा है पीर, इससे लेके हफ्ते तक कौन से प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या किया है। हाँ। अब सिंस उमर इतना बोलते हैं तो मैं कम ही बोलूं तो बेहतर है। तो चलिए जाइए देखिए कि उमर सियालवी आपको बताएंगे कि हमारे जो रीजनल प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हजारा के अलावा भी हम काफी एरियाज को कवर करते हैं, उसकी सैर आपको कराते हैं और बताते हैं कि हमने K2 टेलीविजन के ऊपर किस किस एरिया को कवर किया और किस किस टॉपिक को कवर किया और किस किस मौजू को कवर करते करते आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और आप लोगों की तालीम में इजाफा करने की कोशिश की। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कैमान आपका। और जिस तरह से हमारे नाज़रीन जानते हैं कि उनके लिए हमारी K2 की FPC में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, और अगर बात की जाए सबसे पहले बच्चों की, तो हमने बच्चों के लिए बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम्स अपनी FPC में रखे हैं, जिनमें सबसे पहले प्रोग्राम आ जाता है अंकल हालपुर की दुनिया। ये खूबसूरत प्रोग्राम नशर होता है हर हफ्ते की शाम 5 बजे से 6 बजे तक, जिसमें महनूर इल्ताफ होती हैं। और इस हफ्ते जो ये प्रोग्राम नशर किया गया है, इसमें मैजिक शो हुआ है और बच्चों को सेहत बरकरार रखने के लिए, बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए बच्चों को भी टोटके दिए गए हैं, बताए गए हैं, और उनके वालिदैन को भी बताया गया है। सन बात की, इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर बात की गई है कि बच्चों को आउटडोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ज़रूर उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो विटामिन डी है, नेचुरल जो सोर्स है सूरज के ज़रिए से, अपने उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो उसके बाद जी प्रोग्राम हमारा आता है बच्चों के लिए ही, जिसका नाम है फुलवारी। ये मेज़बानी करती हैं जी रज़िया मिर्ज़ा और हसन अली शाह, जिसमें बच्चों को बहुत ही खूबसूरत नसीहतें की जाती हैं, बच्चों को जो है सिविक सेंस बताए जाते हैं, बच्चों को खाने पीने के, चलने फिरने के, बात करने के सलीके जो हैं वो बताए जाते हैं। और ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन देख सकते हैं हर एतवार की शाम 5 बजे। और जी बिल्कुल मौसीकी के प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए, तो एक खूबसूरत प्रोग्राम है हमारा झूमर। तो इस झूमर प्रोग्राम में, जो इस हफ्ते हमारा प्रोग्राम नशर हुआ है, जुमे की जो है रात 9:30 बजे ये प्रोग्राम नशर हुआ है, और इसमें अल्लाह मगफरत फरमाए शिफाउल्लाह खान रोखड़ी की, उन्होंने उनके ऊपर ये प्रोग्राम था जो उनके साथ किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए सुर सफारी, हमारा एक और खूबसूरत सा फूल है इस गुलदस्ते में, जुनेद खान इस प्रोग्राम की मेज़बानी करते हैं, और ये प्रोग्राम हफ्ते की रात 9:30 बजे नशर किया जाता है। डिजिटल मीडिया के हवाले से खसूसी तौर पर जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब दिए गए हैं। इन सब प्रोग्राम्स में सबसे खूबसूरत एक जो इस गुलदस्ते में एक नया फूल शामिल हुआ है, वो है सोशल जंक्शन, और ये बराह रास्त प्रोग्राम नशर किया जाता है इस्लामाबाद सेंटर से। और आप ये प्रोग्राम हर जो है देख सकते हैं आप लोग, पीर, मंगल और बुध और जुमेरात को ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। पीर वाले दिन सोशल जंक्शन की मेज़बानी करती हैं मैविश जेब अपने खूबसूरत से अंदाज में। और इसके साथ नाज़रीन जो प्रोग्राम हमारा नशर होता है मंगल वाले दिन सोशल जंक्शन, मतलब के 9:30 से 10:30 बजे तक, तो इसमें इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं जी जुनेद खान। और जी इसके साथ आपको बताते चलें कि जो सोशल जंक्शन का प्रोग्राम बुध को होता है, उसकी मेज़बानी करती हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत अदाओं की मालिक अपनी हमारी दिया रहमान। और उसके बाद अगर बात की जाए नाज़रीन जुमेरात की, तो जुमेरात को सोशल जंक्शन की मेज़बानी करती हैं हमारी अपनी प्यारी जिया नुमान। और जिया नुमान जो हैं ये चूँकि एक मौसीकार भी हैं, खुद सिंगर भी हैं, और इनकी अपनी सुरीली आवाज़ भी है, तो इनका अपना एक खूबसूरत अंदाज भी है, आप K2 के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं। और उसके बाद जी सोशल मीडिया का एक और खूबसूरत प्रोग्राम हमारा है, जिसका नाम है KP's व्लॉग। और इस हफ्ते जो है वकास खान हमारे जो प्यारे से एक हमारे टीम के मेम्बर हैं, वो गए हैं जी जवाद आफरीदी के हमारा एक इवेंट जो पिशावर में मुनक़िद किया गया था, जो यहाँ के KP के
लोकल जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ उनको पजीराई देने के लिए जवाद अफरीदी की जानिब से ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था पिशावर में। सबसे पहले अगर बात की जाए घर जमाई आपका एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है जी, जो कि पीर की शाम 6:30 बजे नशर किया जाता है, और उसके बाद अगर बात की जाए नाजरीन प्रोग्राम चनारा दी छां की, तो क्या ही खूबसूरत प्रोग्राम है चनारा दी छां। और इस हफ्ते हमने ये प्रोग्राम किया है मीरपुर में, जिसकी मेज़बानी की है आसिफ इकबाल और सोनिया औरंगज़ेब ने, और ये प्रोग्राम नशर होता है हर बुध की शाम 6:30 बजे। और जी नाज़रीन बिल्कुल इलाकाई जो प्रोग्राम है उनके गुलदस्ते में एक और ख़ूबसूरत सा फूल जो है वो हमने शामिल किया है इस मरतबा बलोचिस्तान की सकाफत को ज़रा मुनफरद अंदाज में दिखाने के लिए। प्रोग्राम का नाम है जान जान बलोचिस्तान, और इसके मेज़बान हैं अमानुल्ला नासिर साहब, और ये प्रोग्राम नशर होता है हर जुमेरात की शाम 6:00 बजे। और इस प्रोग्राम इस बार जो ये पहला प्रोग्राम हमारा नशर हुआ है, आपके दिलों की हमें बड़ी फिक्र है, तो आपके दिल के मामले को देखते हुए हमने हमारा एक प्रोग्राम है कार्डिक क्लिनिक, और इसमें आपके दिल को हमने कैसे महफूज रखना है, दिल को किस तरह से सेहतमंद रखना है, और दिल को रोग लगने से कैसे बचाना है, ये तमाम तर मशवरे हम आपको देते हैं इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं हर जुमेरात की शाम 6:30 बजे। और इसके बाद एक और खूबसूरत प्रोग्राम है सेहत के शोबे से बात की जाए अगर, तो वो प्रोग्राम है जी, तो ये प्रोग्राम है जी जिंदगी जो के रिदा इमरान, जिसकी मेज़बानी करती हैं, और इसमें आपको माहिर डॉक्टर जो हैं जो मशवरे देते हैं आपको मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के मसाइल से निपटने के लिए, स्ट्रेस से एंग्जाइटी से निपटने के लिए जो मशवरे देते हैं वो डॉक्टर हैं जी शाहिद खान यूसुफ ज़ई साहब। उसके बाद नाज़रीन अगर इंफोटेनमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की बात की जाए तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है। आदाब अर्ज़ तो कौन नहीं जानता, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ आदाब अर्ज़ की, जिसमें अगर बात की जाए जी माहपारा की खूबसूरत अदाएं, और उसके बाद चांद मियां की चुलबुली सी हरकतें। एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम है हमारा जी मॉडर्न कुड़ियां, जिसमें सैम मलिक और कायनात के खूबसूरत से अंदाज होते हैं, और उसके बाद हमारा जो रॉनी है उनकी खूबसूरत सी एंट्री होती है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम मैं आपको बताता चलूं कि बुध को 8:30 बजे नशर होता है एक और खूबसूरत प्रोग्राम। मतलब मैं थक गया हूं इन तमाम तर प्रोग्राम्स का नाम लेते लेते, और प्रोग्राम इतने खूबसूरत और इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं कि इनकी फहरिस्त जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगला प्रोग्राम है जी हमारा लाशारी साहब, तो लाशारी साहब एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ठाट पाट ये वो माचो मैन बनकर लाशारी साहब बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी। और जी नाज़रीन उसके बाद अगर हम बात करें एक और खूबसूरत प्रोग्राम की, जो मेरा आपका यानी कि हम सबका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसका नाम है मलक दा फारम, और ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं हर जुमे की रात 6:30 बजे। तो ये प्रोग्राम भी हमारे वेबसाइट से आप मुलाहिजा कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि मलक साहब जो हैं अपना फारम नीलाम करने पर मजबूर हो गए जी। तो कहवान मैंने अपने नाज़रीन को बता दिया मुख्तलिफ जो हमारे खूबसूरत से गुलदस्ते के फूल हैं उनके बारे में, तो बढ़ता हूँ आपकी तरफ जी। कैवान कुछ बहुत ही ज्यादा मसरूफ है, ये भी करो उसको भी संभालो, क्या क्या करें आपका भाई, क्या क्या करें। ठीक है जी, हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, उसके अलावा टीवी पे भी लाइव हैं, और वैसे भी अलाइव हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप कि हम फेसबुक पे भी इस वक्त लाइव जा रहे हैं, काफी मैसेजेस आ रहे हैं, एंड लोग अपना नंबर पता नहीं क्यों शेयर कर रहे हैं, ऐसे मेरे प्रोग्राम से फारिग होने के बाद आप लोगों को कॉल करनी है। इतने कोई आपने कैवान को वो समझा कि बस ये फारिग ही होंगे सारा। अच्छा जी, काफी लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस भी पढ़े, काफी कुछ मैसेजेस आए हैं इधर, थोड़े से 2-3 मैसेजेस में इंस्टाग्राम पे पढ़ लूं पहले। काशिफ मलिक, मलिक साहब, मिशी खान, परवीन किरानी, आप और सिल्वी आपकी और जिया नुमान, नुमान लशारी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इतने ही नाम आते हैं राजा मोहम्मद नाम। अब मैं आपको बताऊँ उन्होंने कोई 35-1 नाम मिस किए हैं, ज्यादा नहीं। ये अभी इन्होंने मेरे ख्याल में कई प्रोमो से ही देख लिए होंगे। एमएली कह रही हैं योर लुकिंग इज गुड,
आपका? You mean my luck is good? I'm not. Thank you very much. Sylvie की भी तारीफ करते हैं, वरना call ही हो जाएगी. वरना अब भी प्रोग्राम के बाद मेरी और केवान की लड़ाई हो जाएगी. Both looking okay, cool. Thank you. अच्छा भाईजान आपका शो बहुत अच्छा है. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल एवान. अच्छा काशिफ खान भी कह रहे हैं कैसे हो भाई, मोहम्मद मुदस्सर ने काफ़ी तारीफें की ड्यूरिंग द पैकेज. व्हाट्सएप पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप. केडी को दुनिया की एमसीआर की टीम से आपको मिलवाते हैं. ये देखिए कौन कौन बैठा हुआ है हमारे एमसीआर के कमरे के अंदर जहां से प्रोग्राम इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है. ये है काशिफ, हमारे नॉन ईवे एडिटर जिन्होंने अक्सर हमारे पैकेजेस भी और हमारे जो शुरू में प्रोमो वो भी एडिट किया. ये है फवाद भाई, ठीक है. ये इंजीनियर है हमारे, ये साउंड को भी चेक कर रहे हैं, ये सारी तारे इशारे यू नो ऑल दैट जो टेक्निकल काम है जो हमारे सर के ऊपर से गुजरता है ये इनके हवाले होता है. ये है अमाद जो इस प्रोग्राम में असिस्ट कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, जो अरेंजमेंट है, सब कुछ अमाद के हवाले होता है. बहुत बहुत घबराता है ये बंदा, इसको मैंने बहुत क्या घबराना नहीं है लेकिन ये बहुत घबराता है. इनके साथ हमारे नए नवेले ब्रांड न्यू प्रोड्यूसर वकास अहमद बैठे हुए हैं जिनकी शक्ल से आप देख सकते हैं कि कितनी टेंस माहौल फैला हुआ है इस वक्त एमसीआर के अंदर. इनको पता नहीं चल रहा ना कि हमारा प्रोग्राम किस नोयत का है. हमारे लाइव प्रोग्राम के पीछे इस वक्त ये लोग हैं. उसके अलावा जी कुछ मैसेजेस, कुछ तस्वीरें आई हैं, देखते हैं जी. मैसेजेस पढ़ता हूँ, तस्वीरें जो काम की है वो मैं शेयर करूंगा जो रेलिवेंट है, ठीक है. सर आपका शो बहुत अच्छा है, काइंडली हमारी फोटो दिखा दें, मैं और नेफ्यू हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान फ्रॉम क्वेटा. आपका शो बहुत अच्छा है और मैम का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है. मैम आपका ड्रेस उनको अच्छा लग गया है, उनको पैक करा के भेज दें क्वेटा. ये हैं जी जिन्होंने क्वेटा से हमें मैसेज दिखाएं, जरा इनकी पिक्चर अब दिखानी चाहिए. ये उनके नेफ्यू है और ये वो खुद है. इतनी सारी वेस्ट कोट्स मैंने कभी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी. आपने अच्छा. कहा था शुरू में. अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान. आपका प्रोग्राम अब आज भी एज यूजुअल जबरदस्त है, आपके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप भी आज प्यारी लग रही हैं वरना नहीं लगती अक्सर. नहीं ये नहीं बोला थोड़ी देर के लिए मैंने सांस रोक ली. आप भी आज प्यारी लग रही हैं. केवान भाई आपने बोला था नेक्स्ट टाइम आपका मैसेज पढ़ूंगा, हमें आपके प्रोग्राम का पूरा हफ्ता वेट करते हैं, प्लीज आज तो मैसेज पढ़ना होगा वरना हम नाराज आपसे, आपकी टीम से. इतनी ज्यादा नाराज हो गए टीम से, नाराज है हमसे ना. टीम से खैर है बस हमसे ना हो. अच्छा जी सर अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान. अच्छा ये आपका दे हो गया जी क्वेटा से मैसेज. हाय सर मेरी पिक दिखा दें, हाउ आर यू, आपका प्रोग्राम. सर आपने नाम नहीं बताया, जगह भी नहीं बताई. अच्छा जी ये सिर्फ तस्वीर आई है, नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताई. जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं व्हाट्सएप में. आई एम एहसन जवाद फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं आपका शो बड़े मजे से देखता हूँ, बड़े मजे से. दो बारी लिखा है वो तो उसमें, वो सिंधी टच है, बड़े मजे से देखता हूँ. अच्छा ये कहाँ से है क्या वान? इस्लामाबाद. खुरम जफर है मुल्तान से, खुरम जफर मुल्तान हूँ. मानो एन उबैदा खुरम विद मानो एन उबैदा खुरम. ये ले जी खुरम जफर. खुरम जफर साइकिल निकल जाएगी, जल्दी तस्वीर लेके बैठ जाए. ये भी उनकी तस्वीर है. ये ले जी मुल्तान से एक और तस्वीर शेयर कर ली. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आज आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह. मैं शनाज हूँ रावलपिंडी से. शनाज ने वीडियोस भेजी, वो नहीं चला सकते हम. ये मेरी बेटे की बेटियां हैं जनाब रावलपिंडी से. बहुत खुशी होगी अपने दोबारा व्हाट्सएप यूज़ करने लग गए. वेरी नाइस, आज मैम बहुत प्यारी लग रही. मैम क्या बात है, आज बड़ी प्यारी. तीन तारीफें आ गई, रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया आज तो. नहीं ये वैसे मेरे लिए बड़ी वो बात है कि मतलब बाकी दिनों में नहीं, आज सिर्फ अच्छी लग रही. हेलो आई एम मारिया फ्रॉम इस्लामाबाद. हेलो मारिया हाउ आर यू, वी आर आल्सो फ्रॉम इस्लामाबाद. मैं समझी, आप जानते हैं मारिया को, ऐसे बड़े मजे तरीके से उनको जवाब दे रहे थे. अच्छा अच्छा जी ये मैसेजेस है. अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है. मैं दुबई से फाखिर शहजाद. ये इनकी तस्वीर है, दुबई तो नहीं लग रहा मुझे. चलो कोई बात नहीं, छुट्टियों पे आए होंगे. अच्छा जी अच्छा. उसके अलावा कुछ वर्ड इंस्टाग्राम के भी साथ मैसेजेस आ गए. मलिक खादिम हैं तारु जब्बा से, सेठी मुस्तफ़ा आए हैं, विजय देव आए हैं. विजय देव आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? तैयब रहमान का एबतबाद से ताल्लुक़ है, उन्होंने मैसेज किया है. शाहिद लव है, क्या आईडी है शाहिद लव? अच्छा सैयद मुजम्मिल है, उसके अलावा तैयब रहमान है, आतिफ है, सलाम कह रहे हैं डॉक्टर. ये हो गया जी इंस्टाग्राम. अब सिंस हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी खोल दी तो मैं इंस्टाग्राम से ऑफ हो गया, ठीक है, ताकि मैं व्हाट्सएप को ज़्यादा टाइम दे सकूं और दो और चीज़ें भी हमने चलानी हैं. ठीक है, व्हाट्सएप के मैसेजेस आई जा रहे हैं. अभी चलते आपको बताते हैं जो मैं कह रहा था ना प्रोग्राम के शुरू में कि K2 रीजन का नहीं है, K2 शहर का नहीं है, K2 एक मुल्क का भी नहीं है. मुल्क का भी नहीं, K2 इंटरनेशनल है. क्योंकि अब अगले हफ्ते से K2 आपके लिए लेके आ रहा है एक और सरप्राइज. क्या सरप्राइज है? बैनुल अक्वामी. बैनुल अक्वामी सरप्राइज? यस.
ये कैसे? आपको एक टीजर देते हैं, टीजर वैसे थोड़ा थोड़ा हिंट तो दे दे क्या? तो हिंट तो देने जा रहा हूं ना टीजर, मैं विजुअली हिंट दूंगा। चलिए विजुअली दे, आपको हिंट देते हैं कि हम कहां से, क्या, किस टाइप का, कौन लेके आ रहा है, देखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजिया सुल्तान, बहुत जल्द ला रही हूं K2 के नाजरीन के लिए द हैपनिंग सिटी दुबई से एक रंगारंग लाइव प्रोग्राम। कब और किस वक्त, इसके लिए एक हिंट देती चलूं। करता बंद कर दे। इस म्यूजिक घबराना नहीं, घबराना नहीं है बकास, घबराना नहीं। अच्छा हिंट मिल गई, अब हमारे पास प्रोग्राम में 6-7 मिनट रह गए। अब आप लोगों ने गैस करना है कि प्रोग्राम तो आपको पता चल गया दुबई से आ रहा है। हाँ, रजिया सुल्तान लेके आ रही है। हाँ, ठीक है ना, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल फेस, वेरी फ्रेश, वेरी प्लेजेंट, एंड दुबई से आएगा प्रोग्राम, लाइव होगा, और कब होगा? अब ये हिंट उन्होंने आपके लिए छोड़ी है, अभी भी टाइम है, जल्दी से कुछ कॉल्स लेके उनसे पूछते हैं कि उनको इसमें समझ आई, या फिर व्हाट्सएप वालों से या फिर फेसबुक वालों से पूछते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी उनको समझ आई है। हाँ, ये प्रोग्राम कहाँ पे एडजस्ट होगा, कब आएगा ये, हाँ, ये कब आएगा ये प्रोग्राम। उन्होंने आखिर में जो एक म्यूजिक सुना के आपको हिंट दी है, अगर आप K2 के व्यूअर हैं और K2 देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, समझ आ जानी चाहिए आपको किस किस्म का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत समझ मेरी आई है, लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं। ये जब ये कहती है मुझे यकीन होता है इनको नहीं समझ। नहीं, ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की मार है। आप लोग मेरी हेल्प करें, फोन करके या मैसेजेस पे जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बहुत मदद की जरूरत है, बुजुर्गों की मदद की जरूरत होनी है। एक और चीज दिखाते हैं जी, जल्दी से एक अपडेटेड वर्जन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। हमने आपको कोई एक 2 हफ्ता पहले दिखाया था सोशल जंक्शन का प्रोमो, ठीक है। अब सोशल जंक्शन का प्रोमो जो है उसमें ऑब्वियसली प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं, दो हर किसी के, बिल्कुल। हमारे पास महविश, जुनेद, दिया और जिया, चार जो सोशल जंक्शन के वीजे, आरजे, एंकर सब कुछ है, सब कुछ है। उन्होंने दो प्रोग्राम्स कर लिए हैं और अब हमारे पास झलकियां हैं उस प्रोग्राम की, तो प्रोमो हो गया जरा मस्कुलर, तगड़ा हो गया। तो एक अपडेटेड प्रोमो आपको दिखाते हैं सोशल जंक्शन का, क्योंकि K2 की दुनिया पे रुकती है ना सारी चीजें आके, यहाँ से अप्रूव होके फाइनल होके, इनको देखिए अप्रूव होके, अच्छा करें तो इस वजह से गुजरे, K2 की दुनिया से गुजरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो यहाँ बस स्टॉप पे अभी रुकी है सोशल जंक्शन, इससे पहले की ट्रांसमिशन चुप के चलाना शुरू कर दे। आपको दिखाते हैं कि सोशल जंक्शन के प्रोमो में, सोशल जंक्शन में क्या हो, सुनवा दी आपको बहुत सी मौसीकी, दिखा चुकी है आपको बेशुमार कमेंट, अब आपके गिले होंगे खत्म, बातों की जाने बढ़ाएंगे कद, कॉल न मिलने का छोड़ो बहाना, फ्रीक्वेंट कनेक्शन का है ये जमाना, दूरियां मिटाने के बेशुमार मौके, मिलके करेंगे दिल की बातें, बातों से बनाएंगे दिल का कनेक्शन, देखने ना भूलिए सोशल जंक्शन। थोड़ा सांस लेने दिया करो बंदे को, मेरा मतलब है कावा तो पीने दिया करो। अच्छा नहीं, हर चीज में आपका मसला होता है, जब इधर से आते तो भी कहते हैं वकास ये देखिए ना, और मुझे बताता भी नहीं है, उधर से आते तो भी कहते हैं मैं कावा पी, ये वकास का मसला, मेरे हर प्रोड्यूसर का मसला है, मुझे बताता है। मैंने बोला ना वकास को बड़ी परेशानी होगी, ठीक है आपने बोला है, वकास जो है वो हमारे माशाल्लाह से जमाने कदीम से आ रहे हैं, जमाने कदीम की कुछ चीजें ना जंग भी लग जाता है, लेकिन ये कि कैवान की समझ किसी को नहीं आनी, क्योंकि वो ऐसे में भी खुश नहीं है, वो ऐसे में भी खुश नहीं है। मेरी समझ, एक डायलॉग है मुझे याद नहीं आ रहा, शुक्र है यार, मेरी समझ। टाइम बड़ा कम रह गया डायलॉग्स के लिए, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आए हुए हैं, फेसबुक भी कुछ मैसेजेस आए हुए, जल्दी से पहले फेसबुक की तरफ चलते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, मैं भी कर। अच्छा अच्छा जी, बिलाल ऐवान अभी भी हमारे साथ है, मुजाहिद खान है, साजिद खान कश्मीरी हैं, और ब्रो हमें भी देखें, देख लिया जी, काशिफ खान हैं। अच्छा जी, वही फेसबुक पे वही लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा अब व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी में किसी के गिले ना आई है कुछ बच्चों की, वकास फ्रॉम इस्लामाबाद ने भेजी, ये दिखा देते हैं वकास, ये अपने नहीं है, ये कोई और वकास है, ये तस्वीरें हैं, एंड आखिर में खुद भी हैं, ये हैं खुद वकास।
अच्छा, मिलते हैं वैसे हमारे अपने विकास इनके पीछे आप पड़े हुए। अच्छा थैंक्स भाई, कह रही हैं कौन थी ये जिन्होंने, उबैदा है मुल्तान से, उबैदा की तस्वीर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा। उसके अलावा जी एक और फोटो आई है, नाम नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी यूनिवर्सिटी आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह इंजमाम है कामरा से, गए थे आप 2015 में, मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, आरम खान के साथ मैंने प्रोग्राम होस्ट किया था, कोई लगभग 500 बच्चे हमारे सामने बैठे हुए थे। अच्छा। हमने सोचा कॉन्सर्ट ही कर लेते हैं, लेकिन हम सोच फैक्ट्री करके वापस आ गए। सोच सकते हैं कि 500 लड़के और लड़कियों के और उनके स्टाफ उनकी फैकल्टी के साथ बैठ के हमने एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम किया था, बहुत मुश्किल था। अक्सर जब इतनी तादाद में यंगस्टर्स आ जाए तो बंदा मौसीकी करे और कुछ ना करे, लेकिन माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी वहाँ के स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने ब्राइट। अच्छा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी एनर्जी, इतने ब्राइट और इतने अवेयर स्टूडेंट्स थे। अच्छा। बहुत मजा आया था, थैंक यू जी मेमोरी फ्रेश करने के लिए मेरी। अच्छा फयाज खान है, उसके अलावा जी महमूद खान है अटक से, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब में कौन कौन है, पूरी कायनात। हाँ, बताइए जरा सब। अच्छा ये है जी महमूद खान, इनकी तस्वीर दिखा दें। अच्छा आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा महमूद खान है केंद्र के, अटक था। अच्छा हाजी मोहम्मद असगर विद हिज ग्रैंडसन, हाजी मोहम्मद असगर को चेक करें जरा। मैं तो इंप्रेस ही हो गया, बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, क्या स्टाइल है हाजी साहब, छा गए। वैसे हाजी साहब काफी अरसे से आपकी कॉल नहीं आई है, नाराज हैं हम थोड़े से, लेकिन माशाल्लाह व्हाट अ लुक, अल्लाह लंबी जिंदगी और सेहत दे आपको जी। आमीन, आमीन। ये भी उनके ग्रैंडसन, ये दिखा दी थी जी ग्रैंडसन की तस्वीर, हाँ ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुजामिल रावलपिंडी से, कैसे हैं आप भाई, मेरी डॉटर जन्नत शहजादी की पिक्स शो, माशाल्लाह इतना खूबसूरत नाम और इतनी खूबसूरत बेटी आपकी, कैसे नहीं दिखाई, ये ना जी जन्नत शहजादी, मतलब कि उनके नाम के अंदर शहजादी भी है और जन्नत भी, अल्लाह नजर बद से बचाए। अच्छा माई नेफ्यू राजा मोहम्मद सारिन, ये नाजिम ने भेजी है जी, सारिन की कोई और तस्वीर भी भेजो, तुम काफ़ी अरसे से यही तस्वीरें भेज रहे हो नाजिम, ठीक है ना, अपडेट करो ज़रा, आप तो बाल भी आ गए होंगे सारिन के। अच्छा जी खुर्शीद हैं पेशावर से, या पेशावर से खुर्शीद क्या कर रहे हैं आप, उमर अकमल वाली हरकतें कर रहे हैं आप, मतलब ये कौन सा पोज है, ये आप हमें दिखाना चाहते हैं कि वहां पे फूड बहुत ज्यादा, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। मरियम है फूलनगर से, आपकी जगह इतनी खूबसूरत है, नाम ही तो खूबसूरत है आपकी जगह का, फूलनगर, ये उन्होंने अपनी नेफ्यू की तस्वीर शेयर की, माशाल्लाह ठीक हो गया यार, मैं व्हाट्सएप को मिस कर रहा था सिल्वी, वाकई अरसा हो गया जब मैं कहता केटू की दुनिया छोड़ देते, इसका नाम रख देते व्हाट्सएप की दुनिया, हां व्हाट्सएप की, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है मैसेजेस और तो आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं अगले प्रोग्राम में सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, हमने बहुत कोशिश की सब कुछ इन्वॉल्व करें, जो आप लोगों ने मिस किया इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग रिपीट ट्रांसमिशन भी दे सकते हैं, रिपीट ट्रांसमिशन के अलावा ये कल को प्रोग्राम अपलोड भी हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर और इसके अलावा यूट्यूब के पेज के ऊपर, उस पर भी पूरा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, उसके अलावा जो हमने लाइव ट्रांसमिशन इंस्टाग्राम पे की थी वो इंस्टाग्राम की IGTV पर पोस्ट के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी, उसके अलावा जो हमने फेसबुक पे लाइव ट्रांसमिशन की है जिन लोगों के मैसेजेस वहाँ आए थे वो जो पढ़े प्रोग्राम के दौरान भी चल रहे थे तो वो एक अलग प्रोग्राम है ऑब्वियसली, वो अपलोड हो जाएगा हमारे फेसबुक के K2TV पेज पे। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया तो हमारी एप्लीकेशन है K2TV के नाम से, उसको डाउनलोड करें और उस पर भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, और अगर कोई मैसेज करना है तो उस पर भी मैसेज की ऑप्शन है, मैसेजेस उस पर छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह हम किसी न किसी प्रोग्राम में आपका जरूर जिक्र करेंगे। ऑप्शन आज आपने दिखाया नहीं है ना, लेकिन उनको समझ आ गई होगी जो वेबसाइट पे पांच चीजें थी करने को वो भी कर लेता तो बिल्कुल ही मुक जाता काम, लेकिन एक दफा समझा दे वेबसाइट का वो जो हमारा ऑप्शन होता है मैसेज करने का, वेबसाइट पे मैसेज का ऑप्शन ये है कि जी वेबसाइट K2 की जो है www.kay2.tv उस पर जाएंगे ना आप, वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, लाइब्रेरी अपलोड हुई हुई है, गैलरी अपलोड हुई हुई है, पुराने प्रोग्राम्स अपलोड हुए हुए हैं, अक्सर प्रोग्राम्स के जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा राइट साइड पे नीचे कोने पे कॉन्टैक्ट अस और चैट विद अस की एक ऑप्शन है, टॉक टू अस की ऑप्शन है, ठीक है ना, उसको क्लिक करेंगे उस पर जो आप मैसेज करेंगे ना वो सीधा हमारे पैनल पे आ जाएगा, जब वो हमारे पैनल पे आ जाएगा जो नेक्स्ट एंकर लाइव प्रोग्राम कर रहा होगा ना उसको मैसेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वो फिर मैसेजेस सारे इकट्ठे करके पढ़ सकते हैं, ये इतना ब्राह रास्त हमने इसलिए रखा ताकि हम अक्सर आपको करके बेशक वो प्रोग्राम चल रहा हो या ना चल रहा हो आप रिपीट पे देख रहे हो आप हमें वेबसाइट पे मैसेज दे के फीडबैक जरूर दे सकते, हाँ, फीडबैक तो वो फीडबैक का सबसे आला जरिया वो है, और हम बाकी चीजों को देखने से पहले अपनी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा किसी और प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट पे आए वो जरूर पढ़ा जाएगा, बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ वो मैसेज मुझे भी डायरेक्ट मिल जाएगा कि ये जो वेबसाइट पे मैसेज आए, ठीक है, तो ये जरूर आपने अवेल करना है, एप्लीकेशन का भी यही तरीका है, वहां भी आप चैट
ऑप्शन पर जाके चैट वाले ऑप्शन पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तरीका आपको समझा दिया। आज का प्रोग्राम में बहुत मजा आया, हमने सारे एवेन्यूज को खोल के रखा, आपको कुछ नए नए शहरों से भी मिलवाया, के टू के नया प्रोमो भी आ गया फाइनली। मैं के बंदा इतने अरसे से बाल लंबे थे उस बंदे के, तब का प्रोमो चल रहा था, ये तब से आ रहा है, इस पे मेहनत चल रही है और अब आ गए। ये देखिए इस ये होती है शूट एंड रीशूट, हर चीज पे मेहनत लगती है, लेकिन फाइनली आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब, वेल डन अमाद, वेल डन काशिफ, के टू की पूरी टीम जो इसमें इन्वॉल्व, के टू की पूरी टीम जो आज छुट्टी पे आखिर में सड़ी मारने गई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, आप लोगों से मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के अंदर। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, हमसे रابطे में रहना है, घबराना नहीं है, और साथ वालों को भी ध्यान रखना है। बोले ना वकास को मास्टर कार्ड ले, वकास मास्टर कार्ड ले, मेरी सुनते से आप लोगों ने जी ये कोरोना की एक और दूसरी लहर वापस आ गई है जी, और काफी ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए, प्लीज ख्याल रखिए, एंड थोड़ी देर के लिए अगर अपनी जो सेलिब्रेशन है इसको अगर आप डिले कर देना तो जिंदगी भर के लिए काफी मेरे ख्याल से उसका फायदा होगा। ये शादियाँ और ये जो गैदरिंग्स हैं, अपने दोस्त की डिले हुई उस पे तो बड़े उदास है, करानी ही करानी है शादी, उस पे बड़े उदास है, कहते हैं शादी कराओ लेकिन ओपन एयरेज कराओ, मौसम वैसे भी ना दोपहर ही बहुत चंगा होता है, ठीक है ना, तो जरा ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एंड बहुत जरूरी है जी, आप लोगों की जिंदगी का सवाल है और हमें बहुत इस चीज़ का फर्क भी पड़ता है, फिक्र भी हमें बहुत ज़्यादा, और साथ साथ अपने साथ वालों को भी ध्यान रखना, उनको भी नसीहत देनी है अगर वो थोड़े बहुत यू नो अपने रास्ते से हट गए हैं। तो इसी नोट पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना रखना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान।